जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 5 पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मांग की कीमत लोच अथवा मांग की लोच। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मांग की कीमत लोच अथवा मांग की लोच, मतलब दोनों एक ही शब्द है। मांग की लोच मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोच क्या है या मांग की कीमत लोच क्या है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो आज हम लोग किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे सबसे पहले वो जान लें। तो आज हम लोग सबसे पहले मांग की लोच क्या है या मांग की कीमत लोच क्या है इसको जानेंगे, मांग के नियम और मांग के लोच में अंतर जानेंगे, तीसरा मांग के लोच के प्रकार को जानेंगे कि मांग के लोच के कितने प्रकार हैं और मांग के लोच से कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां जो जो प्रश्न बनेगा हम सभी टाइप का एक एक प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि मांग की लोच या मांग की कीमत लोच क्या है। तो सबसे पहले जाने कि लोच क्या है, लोच कहते किसे। तो किसी बाजार में वस्तु के मूल्य में कम होने मतलब घटने और बढ़ने की प्रकृति को ही लोच कहते हैं। बाजार में कोई वस्तु है उस कभी कभी होता है कि वस्तु का दाम अचानक बढ़ जाता है, कभी कभी गिर जाता है, तो घटने और बढ़ने को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, लोच। दूसरा बात मतलब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होना, परिवर्तन का मतलब है घटना या बढ़ना, लोच कहलाता है। अब मन में एक प्रश्न होगा ये लोच, लोच मतलब परिवर्तन, मतलब वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि कितने बातों पर निर्भर करती है या किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो वस्तु की लोच, वस्तु की कीमत में लोच दो बातों पर निर्भर करती है। पहला वस्तु का स्वभाव, पहला है वस्तु का स्वभाव और उस पर पड़ने वाला दबाव। लोच दो बातों पर निर्भर करते हैं, पहला वस्तु का स्वभाव, दूसरा उस पर पड़ने वाला और उस पर पड़ने वाला दबाव। कहिएगा सर वस्तु का स्वभाव का मतलब क्या होता है। देखिए तो इंसान भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो झुक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कितना भी विपत्ति उस पर आ जाए वह नहीं झुकेगा। जैसे हम दो गेंद की बात करते हैं, एक कॉर्केट की बात कर, जो बॉल होता है उसकी बात कर लें, कॉर्केट का जो गेंद होता है उसकी बात कर लें, और एक बच्चों का खेलने वाला जो मुलायम गेंद होता है उसकी बात कर लें। या वो छोड़ो, आपको नहीं समझ में आए उससे और आसान परिभाषा आपको दे रहा हूं। हम एक लोटा ले लेते हैं, फुलहा लोटा, और एक ग्लास ले लेते हैं, दोनों को अपने हाथ से दबाना शुरू करते हैं। संभव है ग्लास दब जाएगा, ग्लास को जोर से दबाया जाए तो कुछ ना कुछ दबेगा, लेकिन लोटा को कितना भी जोर से दबाए लोटा क्या होगा, नहीं दबेगा। या यूं कहे ये जो दीवार है पक्का का दीवार है, पक्का को दीवार को कितना भी ठेलेंगे, सीमेंट से बना हुआ हो कंक्रीट से बना हुआ हो, क्या हमसे धक्का देने पर पीछे या आगे की ओर आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यदि टाटी का दीवार हो लेकिन घास फूस का बना हो, जोर से दबाएंगे वह पीछे की ओर दब जाएगा। तो लोच दो वस्तु, दो बातों पर निर्भर करता है, पहला वस्तु का स्वभाव और उस पर पड़ने वाला प्रभाव। वस्तु का स्वभाव कैसा, झुकने वाला है तो झुक जाएगा, झुकने वाला है तो क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। जैसे एक मिल्कमैन बाजार में दूध बेचने आता है, सुबह से शाम तक वह मिल्क को बेच रहा है,
हम बात करते हैं फ्रिज के आविष्कार के पहले की बात कर लेते हैं। समूह का देखेगा बाजार बंद हो रहा है, अब ग्राहक आने वाला नहीं है, 40 रुपए बेच रहा था, अंतिम ग्राहक आया, देखा कि इसके बाद ग्राहक आने वाला है नहीं, तो क्या होता है? अगर वह 35 रुपए लगा देगा, कहे हम पूरा ले लेंगे, हमको 35 रुपए लीटर दे दो, दे देगा, क्योंकि नहीं देने पर उसका दूध खराब हो जाएगा। या हरे सब्जी की बात कर लेते हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती है, सुबह से उसका रेट ज्यादा होता है, जैसे जैसे शाम ढलता जाता है रात होता है, कुछ कम दाम में भी आपको मिल जाता है। तो वस्तु का लोच दो बातों पर, पहला वस्तु की प्रकृति स्वभाव, स्वभाव कैसा है, मुलायम स्वभाव का होगा तो झुक जाएगा, कठोर स्वभाव का होगा तो नहीं झुकेगा। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस पर कितना भी दबाव डालो कोई परिवर्तन होने का चांस नहीं। तो प्रश्न है कि मांग की लोच क्या है? तो मांग की लोच का परिभाषा कहता है, मांग का नियम पहले जान लो। हमने मांग का नियम क्या समझाया कि बाजार में जैसे जैसे किसी वस्तु का कीमत बढ़ते जाता है, उस वस्तु की मांग घटती जाती है और वस्तु का मूल्य कम होते जाता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। मतलब हमने कहा कीमत ज्यादा होगा तो मांग कम होगा और कीमत कम होगा तो मांग ज्यादा होगा, यह मांग का नियम है। लेकिन प्रश्न है तो मांग की लोच क्या है? तो वस्तु की कीमत घटने पर, मान लो कि वस्तु का कीमत पहले था 15 रुपये केजी, 1 केजी का दाम 15 रुपया था, तो वस्तु का दाम बढ़कर हो गया 20 रुपया। कितना हो गया? वस्तु का दाम था पहले 1 केजी का दाम था 15 रुपया, लेकिन अब कितना हो गया? 20 रुपया। तो मांग का लोच कहता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि, या इसको हम कमी भी कह दे, 10 भी लिख सकते हैं, वस्तु के मूल्य में कमी या वस्तु के मूल्य में वृद्धि से उपभोक्ता मांग में कितना कमी या वृद्धि करता है। मतलब वस्तु का कीमत था 15 रुपए केजी, बढ़कर हो गया 20 रुपया, तो दाम बढ़ गया तो मांग कितना कम करेगा, या दाम 15 रुपये था कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। तो मांग मूल्य घट गया तो मांग कितना बढ़ाएगा? तो वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से एक उपभोक्ता मूल्य में कमी होने से मांग कितना बढ़ा देगा और मूल्य में वृद्धि होने से मांग को कितना कम कर देगा, कितना घटा देगा, इसी को हम मांग का लोच या मांग का कीमत लोच कहते हैं। हमने कहा उदाहरण समझ लेंगे, पहले वस्तु का कीमत कितना था, मांग की कीमत लोच क्या है। तो मान लो उदाहरण द्वारा समझ लो, वस्तु का कीमत था पहले 1 केजी आलू का दाम था मान लो 15 रुपया, अब आलू का दाम 15 रुपया से बढ़कर हो जाता है 20 रुपया, तो दाम बढ़ गया तो उपभोक्ता कितना मांग कम किया, डिमांड कितना कम कर दिया, या 15 रुपया दाम था कीमत घटकर हो गया 10 रुपया, तो कीमत घटकर 10 रुपया हो गया तो मांग कितना बढ़ा देता है। तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी मात्रा के परिवर्तन को दिखाने वाला जो नियम है, बताने वाला जो नियम है, उसी नियम को हम मांग की लोच या मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की लोच पर कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, गणितीय आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका सूत्र होता है, मांग की लोच का सूत्र है वस्तु के मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। वस्तु के मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कई बार एक नंबर में प्रश्न पूछ देता है कि मांग की लोच का सूत्र लिखें, तो वस्तु के मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। दूसरा है तो मांग के नियम और मांग के लोच में क्या अंतर है। हमने कहा था कि मांग का जो नियम है वह गुणात्मक कथन है, कीमत कम होगा तो मांग ज्यादा होगा, कीमत ज्यादा होगा तो मांग कम होगा। तो मांग का नियम गुणात्मक कथन है जबकि मांग का लोच परिमाणात्मक कथन है। दूसरा अंतर है, मांग का नियम वस्तु के कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है जबकि मांग का लोच वस्तु के कीमत और मांगी गई मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संबंध को बताता है। तीसरा, मांग का नियम केवल कीमत के साथ संबंध को बताता है जबकि मांग का लोच
कीमत सॉरी आय और वस्तु की मांगी गई मात्रा के साथ संबंध को भी बताता है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं मांग के लोच के प्रकार, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे रेखा चित्र के माध्यम से, और हर पर एक एक क्वेश्चन बनाकर आपको हम बताएंगे कि मांग के लोच के प्रकार कितने हैं। तो हमने कहा कि मांग के लोच के कितने प्रकार है, तो पांच प्रकार है। पहला सापेक्षतः लोचदार मांग, दूसरा सापेक्षतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग, पूर्ण लोचदार मांग। यहां तो बस समझना है, लोचदार मतलब लचीला, बेलोच मतलब नहीं झुकने वाला। लोचदार मतलब क्या हो गया, लचीला, बेलोच मतलब बिना झुका वाला, कुछ भी कर दो झुकेगा नहीं। जैसे ये हम इसको दबाएंगे तो ये दब रहा, दबाने पर क्या हो रहा है, दब रहा है, लेकिन इसको हम दबा रहे दब नहीं रहा है, तो ये दब गया पिचक रहे तो हो गया लोचदार, और ये दब नहीं रहा है जैसा वैसा ही है तो होगा बेलोच, बिना लोच का, बिना झुका होगा। तो प्रश्न है मांग के लोच के पांच प्रकार है। पहला क्या है, सापेक्षतः लोचदार मांग। मन में प्रश्न होगा तो सापेक्षतः लोचदार मांग क्या है, या सापेक्षतः लोचदार मांग किसे कहते हैं। तो एक सूत्र इसका भी ग्राफ बनाते हैं सापेक्षतः लोचदार मांग के लिए। पहले आप डाल ले, एक ही पर हम बारी बारी सबको क्लियर कर देंगे। वाई ओ एक्स यहां हो जाएगा पी आर आई सी प्राइस, और यहां हो जाए क्वांटिटी, मतलब यहां लिख दे मूल्य, मूल्य को कीमत भी कहते हैं, और यहां क्या लिख दे मात्रा। मतलब यहां इस रेखा चित्र में हमने क्या दर्शाया, वो वाई अक्ष पर मूल्य मतलब कीमत को दर्शा दिया, और ओ एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को दर्शा दिया। तो कहता है सापेक्षतः लोचदार मांग कहता है कि जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन, कितना परिवर्तन नहीं बता रहा है, बहुत कम भी हो सकता है, या यूं कह दो कि जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए। मान लो किसी वस्तु का दाम था पहले P1, वस्तु का दाम कितना था P1 था, वस्तु का दाम था पहले P1, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, वस्तु का कीमत क्या था पहले P1 था, लेकिन वस्तु का कीमत P1 से घटकर हो गया P2, कितना हो गया P2, तो P1 कीमत था मतलब ज्यादा था, तो वस्तु का डिमांड था यहां पर था Q1, लेकिन वस्तु का कीमत P1 से घटकर P2 हो गया, तो वस्तु का डिमांड हो गया Q2। यहां देखना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, बड़ी आसानी से आप समझ लोगे, थोड़ा अगर बुद्धि नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। या इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा दे तो आपको क्लियर होगा, यहां Q2 कर दें और ये हो गया DD, डिमांड रेखा। सापेक्षतः लोचदार मांग क्या है, तो कहता है कि वस्तु के कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने से, देख लीजिए यहां दिखाया भी हुआ है कि वस्तु के कीमत में थोड़ा सा बहुत कम परिवर्तन हुआ, P1 था कीमत पहले, अब P1 से कीमत घटकर P2 हो गया। हम इसको P1 को हम यहां 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और P2 को हम 4 भी लिख सकते हैं। हम लिखने के लिए इसको अंक के माध्यम से भी बता सकते हैं आपको कि पहले कीमत था 10 रुपया, कीमत घटकर हो गया 4 रुपया, तो कीमत 10 रुपया था तो डिमांड करता था 5 इकाई, कितना इकाई, 5 इकाई डिमांड करता था, लेकिन कीमत घटकर 4 हो गया तो कितना इकाई बढ़ा लिया, 50 इकाई मांगने लगा। मतलब कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उससे बहुत ज्यादा अनुपात में मांग बढ़ा दिया, कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उससे कई गुना ज्यादा मांग में, यदि परिवर्तन हो जाए, मांग में बदलाव हो जाए
तो इसे हम सापेक्षता मतलब मूल्य के सापेक्ष, मूल्य के तुलना में, सापेक्ष मतलब तुलना में, मूल्य के तुलना में, मूल्य में जितना कमी आया उससे कई गुना ज्यादा, देखेंगे यहां की दूरी भी कम है, यहां की दूरी क्या है ज्यादा है, तो जिस अनुपात में मूल्य में कमी हुआ उससे अधिक अनुपात में यदि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन आ जाए तो इसे सापेक्षता बेलोचदार मांग कहते हैं, लोचदार मांग मतलब झुकने वाला। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, मान लो एक प्रश्न हम दिखा के समझा रहा हूं आपको, प्रश्न यहां पर पूछ देता है यहां पर वस्तु है और यहां पर मात्रा है, एक ही प्रश्न को समझेंगे इसी पर सारे प्रश्न निर्धारित होंगे, आपको ऐसे बना सकते हैं। कहता है कि वस्तु का कीमत पहले था 5 रुपया, वस्तु का कीमत प्रारंभ में कितना था 5 रुपया, मतलब यहां हम लिख दे कि P1 बराबर 5 रुपया मान लो, तो 5 रुपया कीमत था तो Q1 कितना था 10 इकाई था, मतलब वस्तु था पहले 5, वस्तु का कीमत था 5 रुपया तो मांग करता था 10, लेकिन वस्तु की कीमत घट गया, मान लो वस्तु का कीमत क्या हो गया घट गया, तो घटा मतलब P2, तो P2 कितना हो गया, तो मान ली इसको हम 4 मान लिए, तो Q2 कितना हो गया, Q2 तो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया 15 हो गया। तो प्रश्न पूछेगा वस्तु की प्रारंभिक कीमत 5 रुपया, तो 5 रुपये पर डिमांड था 10 इकाई, घटकर 4 रुपया हो गया तो डिमांड बढ़कर हो गया 15 इकाई, तो कहेगा कि मांग की लोच ज्ञात करें। प्रश्न ये आ गया, क्या लिखेगा, मांग की लोच निकाले, तो मांग की लोच का फॉर्मूला क्या है, वस्तु के मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु के मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि पहले कीमत था 5, मांग था 10, कीमत घटकर हो गया 4, डिमांड बढ़कर हो गया 15। तो इसका सूत्र भी हमने आपको लिखा दिया है कि वस्तु के मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसको हम अन्य तरीका से भी सूत्र को लिख सकते हैं, सूत्र क्या है इसको यहां लिखने का एक और तरीका है, डेल्टा क्यू बटा क्यू बाई डेल्टा पी बटा पी। तो यहां डेल्टा का मतलब है कि यहां हमको करना क्या पड़ेगा, पहले क्वांटिटी में से और प्राइस में से दोनों को करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, तो डेल्टा क्यू बराबर होगा Q2 माइनस Q1, और यहां डेल्टा पी आपको निकालना पड़ेगा, तो P2 माइनस P1। हम यहां क्या देख रहे हैं, डेल्टा क्यू, तो यहां Q2 कितना है, तो Q2 है 15, तो यहां क्या होगा 15 माइनस 10, तो यहां हो जाएगा 5, और यहां क्या होगा P2 कितना है, तो P2 है 4 माइनस, यहां 4 माइनस P1 है 5, हो जाएगा माइनस 1। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, हमको इस सूत्र में निकालना पड़ेगा, तो यहां परिवर्तन वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, परिवर्तन कितना है, तो पहले 10 था 15 हो गया। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इसको लिखने का कि 5/10 सूत्र पर अगर आएंगे तो 5/10 बटा वस्तु के मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, तो वस्तु के मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले 10 था कितना हो गया 15, डिफरेंस कितना आया 5 का, तो अंतर बटा प्रारंभिक, तो दोनों का अंतर 5 का है तो 5 लिख दिए, और लिखने के बाद पहले का कितना था Q1 कितना था 10, तो 10 लिख लिए। फिर यहां क्या करेंगे, तो दोनों का अंतर कितना है प्राइस में, तो -1 का डिफरेंस है, लेकिन प्रारंभिक कितना था तो 5 था, ये मेरा हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे लिख दिए, बात समझ गए होंगे। अब इसको और भी लिखने का तरीका है कि
पांच बटा दस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना कर देंगे, क्योंकि इसको ऊपर लाना है तो हमको गुना करना पड़ेगा, तो ये जो ऊपर वाला नीचे वाला पांचों का ऊपर चला जाएगा और नीचे माइनस एक रहेगा। बात समझ गए? अब होता क्या है, तो हम यहां क्या करेंगे, तो पांच पच्चे कितना होगा, पच्चीस हो जाएगा, और यहां दस इकाई दस तो यहां माइनस दस हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 2.5 माइनस होगा इसका आंसर होगा, मतलब घाटाओं में है तो मांग की जो लोच है ऋणात्मक होगी, अगर माइनस नहीं होगा तो मांग की लोच धनात्मक होगी, लेकिन घाटा माइनस में हो गया तो मांग की लोच क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उम्मीद है समझे होंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरा पर, सापेक्षता बेलोचदार मांग। दूसरा टॉपिक क्या है, सापेक्षता बेलोचदार मांग। सापेक्षता बेलोचदार, उसके सापेक्ष बेलोच माने ना झुकने वाला, बेलोच मतलब बिना लोच का, यहां लोचदार है, देखिए झुक गया, कम परिवर्तन हुआ ज्यादा चेंजिंग हो गया। सापेक्षता बेलोचदार, कुछ भी करो झुकने का चांस नहीं है, घटने का कोई उपाय नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो सापेक्षता बेलोचदार मांग क्या है, तो कहता है कि वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में या मांगी गई मात्रा में ज्यादा परिवर्तन या ज्यादा बदलाव न हो। वस्तु के कीमत में चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन मांगी गई मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसको कहेंगे बेलोचदार मांग। जैसे इसको हम चित्र के द्वारा इसको भी दर्शा सकते हैं, इसी को ले ले, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। हम यहां वस्तु की कीमत क्या लिए थे, P1, तो P1 पर इसका डिमांड था इतना, लेकिन घटकर ये हो गया, तो फिर भी डिमांड ज्यादा नहीं किया, मतलब कीमत में परिवर्तन होगा। इसको आप मेजरमेंट करोगे तो यहां से यहां की जितनी दूरी है, यहां से यहां की दूरी बहुत कम है, मतलब कीमत कितनों घट जाए या कितनों बढ़ जाए, लेकिन वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में ज्यादा बदलाव नहीं हो, ज्यादा चेंजिंग नहीं हो, तो उसे कहेंगे सापेक्षता बेरोजगार मांग। उदाहरण दे रहा हूं आपको, सापेक्षता बेरोजगार वाली वस्तु होगी, जैसे हम बात कर लेते हैं सरसों तेल की, बात कर लेते हैं, अभी मान लो कि 170 या 80 रुपये किलो है, तो आप 5 लीटर खाते हो, लेकिन मान लो उसका कीमत यदि 10 रुपये हो जाए, तो क्या एक महीना में आप 50 लीटर सरसों तेल का प्रयोग कर पाओगे, आपका उत्तर होगा नहीं, थोड़ा बढ़ जाएगा। कीमत ज्यादा है तो हम अभी 5 लीटर महीना में खर्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत घटकर शून्य भी हो जाएगा तो हमारी जो मांग होगी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, 4 गुना 5 गुना 10 गुना कीमत नहीं, मांग नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही प्रश्न यहां भी पूछ सकता है, तो इसी सूत्र से प्रश्न, सूत्र एक ही है, बस डिजिट को चेंज करते जाना है, प्रश्न को बनाते जाना है। तीसरा है इकाई लोचदार मांग। इकाई मतलब एक इकाई के बराबर, बड़ी आसान है। इकाई लोचदार मांग क्या है, तो इकाई लोचदार का मांग कहता है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कहता इकाई लोचदार मांग का परिभाषा है कि जिस इकाई में या जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में ही परिवर्तन हो जाए। मान लो कीमत में वृद्धि हुआ 10%, तो मांग में वृद्धि भी 10% हो, कीमत में कम है या 10% तो मांग में भी 10% ही कमी आए। कीमत बढ़ गया 10% तो मांग घट गया 10%, कीमत बढ़ गया 10% तो मांग घट गया 10%, मतलब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो, कीमत में बदलाव हो, उसी अनुपात में यदि मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन हो, तो इसे हम इकाई लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। और यहां पर ये दोनों जो है थोड़ा सा ही चौड़ा है, यहां इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसको चित्र को बनाने के लिए थोड़ा सा थोड़ा, इसलिए कि जहां जितनी चौड़ाई इसकी होनी चाहिए
उतना ही चौड़ाई इसकी और इसकी चौड़ाई दोनों सब बराबर होनी चाहिए, तब होगा इकाई लोचदार मांग। अगला पूर्ण बेलोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? तो बड़ी आसान होगा, पूर्ण माने पूरा पूरा, बेलोच मतलब नहीं झुकने वाला, जैसन था वैसन के रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे कि ग्रेनाइट के पत्थर को आग में पानी में छोड़ दो, सैकड़ों वर्ष के बाद निकालोगे जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन लकड़ी को डाल दो तो धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू कर देगा वो। तो प्रश्न है कि पूर्ण बेलोच, पूर्ण माने पूरा पूरा, बेलोचदार बिना लोच का, तो पूर्ण बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? पर यह आसान उत्तर होगा, तो पूर्ण बेलोचदार मांग उस मांग को कहते हैं जिसमें वस्तु के कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन मांग में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वस्तु चाहे 1000 रुपए किलो हो जाए, उपभोक्ता जितना पहले डिमांड करता था उतना ही करेगा, वस्तु का कीमत घटकर 0 हो जाए, फ्री में मिलने लगे, फिर भी उपभोक्ता अपने मांग में कोई चेंजिंग नहीं करेगा। जैसे नमक की हम बात कर लेते हैं, अगर नमक 100 रुपए किलो बिकने लगे, अगर एक महीना में हम 1 केजी नमक का प्रयोग करते हैं तो 100 रुपए भी होगा तो 1 केजी ही खरीदेंगे, नमक फ्री में मिलने लगे फिर भी 1 केजी ही नमक खाएंगे, ये नहीं कि फ्री में मिलने लगा तो 5 केजी 7 किलो नमक का प्रयोग करना शुरू कर दे, ऐसा कोई इंसान नहीं। तो कीमत में घट कमी हो या वृद्धि हो उसका मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। मांग के लोच का, मांग में परिवर्तन का, मांग में घटने या बढ़ने का, सॉरी मूल्य में घटने या बढ़ने का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसे कहेंगे पूर्ण बेलोचदार मांग। और अंतिम है पूर्ण लोचदार मांग, पूर्ण माने पूरा पूरा, लोच मतलब झुकने वाला, पूर्ण लोचदार, पूर्ण मतलब पूरा पूरा, लोच मतलब क्या होता है? झुकने वाला, कमी बेसी होने वाला। पूर्ण लोचदार मांग क्या है? तो पूर्ण लोचदार मांग उस मांग को कहते हैं जिसमें कीमत बढ़ गया तो मांग कम कर देगा, कीमत थोड़ा बढ़ गया तो मांग बहुत कम कर देगा, और कीमत थोड़ा घट गया तो मांग बहुत ज्यादा कर देगा। कीमत अगर थोड़ा सा घट गया तो मांग बहुत ज्यादा कर दे, और मांग कीमत थोड़ा सा घट जाए तो मांग ज्यादा हो जाए, और कीमत थोड़ा बढ़ जाए तो मांग घट कर क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे सोना की बात करते हैं, मान लो 50,000 है, अगर मान लो कल का 48,000 का सोना हो जाए, 10 ग्राम का कीमत मैं बता रहा हूं, लोग कहेंगे अरे बहुत भाव गिरा, चलो खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर 51,000 हो जाए, मान लो 50,000 है उसमें 50,500 या 51,000 हो जाए, बहुत महंगा हो गया छोड़ दो, खरीदना ही लोग छोड़ देता है। तो कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो, थोड़ा सा वृद्धि हो जाए तो लोग मांग कम कर देता है, और थोड़ा कमी हो जाए तो लोग मांग ज्यादा कर देता है, तो इसे हम पूर्ण लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, इस टॉपिक के बचे हुए जो इस पाठ के जो बचे हुए टॉपिक है, जैसे मांग के लोच के मापने की रीतियां, उस पर चर्चा कल करेंगे, और कल हम लोग अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न पर ज्यादा फोकस करेंगे। धन्यवाद।